ये स्पेशल जो इस वक्त क्लासेस हो रही हैं इसका नाम है लीगल लिटरेसी क्लासेस। ये उन बच्चों के लिए है जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, उनको ये तक नहीं पता कि वो हम जिस केस में अंदर आए हैं उस केस को किस तरह हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, पता ही नहीं है कि हमें क्या राइट है उसके। हर एक बच्चा जो है ना हमारे लिए वो एक न्यू चैलेंज था, यानी कि जब वो आए हमारे पास और उनको हमने शुरू में हमने समझाना शुरू किया यार इस तरह पढ़े, तो वो कहते नहीं सर हम नहीं कर सकते। अगर हम उनको पेंसिल पकड़वाएं तो उनको उस पेंसिल को यानी कि राइट नहीं अपना नाम या कुछ भी नहीं लिख सकते। लेकिन जब उनका आहिस्ता आहिस्ता उसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू किया तो हम खुद उनकी जो यानी कि अचीवमेंट्स थे उनको देख के हैरान हो गए। मेरे को अपने अंदर बहुत तब्दीली महसूस हो रही है क्योंकि इससे पहले जो पढ़ा लिखा था ना वो बिल्कुल दिमाग से निकल गया था। ये दोस्त यारों के चक्करों में नशे वशे के चक्कर में तो भी जेल में आके वही दोबारा दोहरा रहे तो दोबारा दिमाग में बैठ रहा है सब कुछ। देखिए लिटरेसी प्रोग्राम की यहाँ बहुत ज़रूरत है क्योंकि बच्चों को बिल्कुल नहीं पता था कि अगर वो यहाँ आए हैं तो किस तरह वो बाहर निकलेंगे, किस तरह वकील करना है, किस तरह उनकी बेल होगी, किस तरह मजिस्ट्रेट के सामने जाना है, कैसे बोलना है वहाँ पर, उनको कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अब माशाल्लाह बच्चे बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई है उनको इस बारे में। क्लासों से तो नहीं उम्मीद बहुत आई है, जैसे कि एक बड़ा भाई छोटे भाई को समझा रहा होता है इस तरीके से पढ़ाते हैं हमें। इसमें हमने रोल प्ले वगैरह भी डाला है कि बच्चों से रोल प्ले करवाते हैं कि अगर चोरी की है तो किस तरह वो हुआ है, डकैती रॉबरी की है, इन्होंने बैंक डकैती की है, फिर बाद में इसका अंजाम क्या हुआ है, कितने सेक्शन तुम पे बन गए हैं कि एक ही बैंक डकैती में। पेपर वर्क के थ्रू इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंस है ताकि अगर ये कुछ कर रहे हैं, किसी चीज़ पे साइन कर रहे हैं, किसी चीज़ की इजाज़त दे रहे हैं तो वो पढ़ तो सकें एटलीस्ट उसको कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि इन्हें नहीं मालूम होता। आउटकम्स लीगल एड की यह हो कि उनको आगे जाकर जो उनके केसेस खुद के केसेस हैं उनमें जो मसाइल हैं वो बेहतर वो खुद तौर से समझ सकें और उनको हल करने की कोशिश करें। ये ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कुछ लिखा होता था हम उसको पढ़ नहीं पाते थे कि ये क्या लिखा हुआ है, दूसरों के मोहताज होते थे, तो ये है कि अब उस चीज़ को देख के हम खुद पढ़ सकते हैं। लीगल एड सोसाइटी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हमारे लिए पढ़ने के लिए, यहाँ पे स्कूल के लिए सर भेजे हैं और किताबें भेजी है और कॉपियाँ भी मिलती हैं यहाँ पे, तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है।